नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस आयोजन के दौरान जिले के कई शिक्षण संस्थान के छात्रों और छात्राओं ने नाटक एवं प्ले से प्लास्टिक के दुष्प्रभाव बताए कि प्लास्टिक किस तरह हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इस अवसर पर कई छात्र छात्राओं की ओर से स्पीच के माध्यम से भी उपस्थित जन को प्लास्टिक बैन को लेकर जागरूक किया गया। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। पूरे विश्व की समस्या बन गया, तो क्या बातें निकल कर आई? देखिए, ये इसका समस्या का समाधान केवल जागरूकता से हो सकता है। अभी कुछ बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किए, कुछ बच्चों ने अपना भाषण भी उसमें प्रतियोगिता में रखा, उस पर सारी बात उन्होंने रखी किस प्रकार से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनमें जागरूकता आएगी तो आने वाले टाइम में निश्चित तौर से इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन है केवल जागरूकता। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में घूम के आया हूँ और मैं 4 स्टेट में मैं गया हूँ, वहाँ इस प्रकार की कोई समस्या नहीं, कहीं प्लास्टिक आपको दिखाई दे। तो इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हम इसका इस्तेमाल बंद करें और जिस प्रकार की पहली जीवन शैली थी, तो उसका अगर मैं समझता हूँ कोई कम मतलब बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते, तो कम तो कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसके 5% भी आपकी जरूरत है, 10% भी आपकी जरूरत है नहीं उसकी, लेकिन आप जानबूझ के लोग ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको कम करना चाहिए और कम के साथ साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता बंद करना चाहिए। इस सर प्रकार के नियम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपने आप इस बात का अमल करे। अब कानून बनाएंगे, सारी बातें करोगे, मान लो आप कहोगे कि प्लास्टिक पे बैन ही लगाओ तो पड़ाओ ही ना उसने, हो सका ये बिकरना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। पर पहले हमने ही अपनी आदत ठीक करनी चाहिए और अपने आप इसको बदलना चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।